देश में आज धूमधाम से करवा चौथ का त्योहार मनाया जा रहा है। आज के दिन सुहागिन अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ये व्रत सूर्योदय से शुरू होता है और चांद निकलने तक रखा जाता है। महिलाएं चांद को देखकर अपना व्रत खोलती हैं। कहा जाता है कि इस करवा चौथ पर शुभ संयोग बन रहा है। इस बार रोहिणी नक्षत्र के साथ मंगल का योग होना करवा चौथ को अधिक मंगलकारी बना रहा है। बहनों नाचो गाओ, करवा चौथ मनाओ। बहनों नाचो गाओ, करवा चौथ मनाओ। अपने पति परमेश्वर की उम्र, पति पत्नी के रिश्ते का त्योहार। पति परमेश्वर की उम्र बढ़ाओ। बहनों नाचो गाओ, करवा चौथ मनाओ। सुहागिनों के सुहाग का त्योहार, सजने सवरने का त्योहार। जी हाँ, करवा चौथ एक ऐसा त्योहार जहाँ एक साथ कई रंग नजर आते हैं। इस दिन औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती है। पति की लंबी उम्र के साथ साथ अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। चंद्रमा के साथ साथ भगवान शिव, पार्वती, श्री गणेश और कार्तिकेय की पूजा भी की जाती है। विवाहित महिलाओं के लिए वैसे तो सभी व्रत बेहद ही खास होते हैं, लेकिन करवा चौथ के व्रत का अलग ही महत्व है। हर साल सुहागिन औरतें इस खास दिन पर अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं और धूमधाम के साथ इस पर्व को सेलिब्रेट करती है। वैसे तो करवा चौथ को लेकर कई कहानियां सामने आई हैं। कहा जाता है जब सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए यमराज आए तो पतिव्रता सावित्री ने उनसे अपने पति सत्यवान के प्राणों की भीख मांगी और अपने सुहाग को ना ले जाने के लिए निवेदन किया। यमराज के नाम मानने पर सावित्री ने अन्न जल का त्याग कर दिया। पतिव्रता स्त्री की इस तपस्या से यमराज विचलित हो गए और उन्होंने सावित्री से कहा कि अपने पति सत्यवान के जीवन के अलावा कोई और वर मांग ले। उसके बाद सावित्री ने यमराज से कहा कि आप मुझे कई संतानों की मां बनने का वर दे, जिसे यमराज ने हाँ कह दिया। पतिव्रता स्त्री होने के नाते सत्यवान के अलावा किसी अन्य पुरुष के बारे में सोचना भी सावित्री के लिए संभव नहीं था। अंत में अपने वचन में बंधने के कारण पतिव्रता स्त्री के सुहाग को यमराज लेकर नहीं जा सके और सत्यवान के जीवन को सावित्री को सौंप दिया। कहा जाता है कि तब से स्त्रियां अन्य जल का त्याग कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। इसी के साथ द्रौपदी द्वारा भी करवा चौथ का व्रत रखने की कहानी काफी प्रचलित है। कहते हैं कि जब अर्जुन नीलगिरी की पहाड़ियों में घोर तपस्या के लिए गए हुए थे तो बाकी चारों पांडवों को पीछे से अनेक गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा था। उस वक्त द्रौपदी ने श्री कृष्ण से मिलकर अपना दुख बताया और अपने पतियों के मान सम्मान की रक्षा के लिए कोई उपाय पूछा। श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को करवा चौथ व्रत रखने की सलाह दी थी, जिसे करने से अर्जुन भी सकुशल घर लौट आए और बाकी पांडवों के सम्मान की भी रक्षा हो सकी थी। कहानियां तो कई हैं, पर इस पर्व का महत्व बेहद खास है।